बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी चाट, जो हमारे घर में इफ्तारी में लाजमी बनती है। जो मर्ज़ी हो जाए, मतलब कुछ भी ना बनाएं, लेकिन ये चाट तो मस्त होती है। जो घर पे बनाई जाती है, जो यानी काले चने की बनाते हैं हम लोग, तो किसी में वाइट, आप वाइट भी ले सकते हैं। कभी कभी हम लोग वाइट में भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काले चने की होती है वही पसंद की जाती है। और यकीन माने इतनी टेस्टी होती है। ये मेरे थोड़ी डिफरेंट है। अब वैसे जो होता है ना, मैंने चने को बॉईल कर लिया अच्छे से, ये प्रेशर में लगा के 10 मिनट लगे हैं और बहुत अच्छे ये चने बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी। हम रमज़ान की प्रिपरेशन करते हैं, सब लोग ही करते हैं कुछ ना कुछ, लहसुन अदरक जो भी, लहसुन अदरक जो कुछ पेस्ट वगैरह बना के, चटनियाँ बना के ये हम लोग फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं। तो ये चने भी बहुत सारे लोग जो है ना वो भी स्टोर करते हैं बॉईल करके। चलो जी फटोफट से निकालो और चलो जी चना चाट यूज़ कर लो चाट में। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वो वाला जायका कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता उसमें। जब जो फ्रीज़र में रखे हुए थे चने होते हैं, उसका तो कभी भी थोड़े दिनों में उसका जायका अजीब सा हो जाता है। तो मैं तो हमेशा इसको फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को पसंद भी है, लेकिन जी मैं इसको भुनाई करके, हम लोग भुनाई करके इस तरह के चने खाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाला, नमक, मिर्च मसाले जो कुछ भी है, चाट मसाला थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे। तो चंद जो है ना, मैंने ऑयल कतरे 2-3 चम्मच लगभग ऑयल डाला होगा। एक आलू को इसी में मैश किया, मैश करके इसमें मिक्स किया और जो इसी में अच्छे से इसको फिर भुनेंगे। ये देखें जी, ये देखें चाट हमारी तकरीबन तैयार है। इसी तरह या हम लोग भून के इस्तेमाल करते हैं, मतलब खाते हैं। ये चाट जो है ये भुनी हुई है, भुना हुआ चना जो होता है ना ये होता है, वैसे भी बनाई जाती है। तो ये प्रॉपरली जो हमारे घर में ज़्यादातर पसंद करते हैं वो भुने हुए चने की करते हैं। अगर आपने वैसे इस्तेमाल करना तो वो फ्रीज़र वाले चल जाएंगे, लेकिन ये वाले जो है ना, ये वाले फ़्रेश ही अच्छे लगेंगे आपको। ये मैंने आलू भी सेपरेट रखे हैं, अनियन, टमाटो और कुकम्बर, ये और ये थोड़े से सब्ज़ मिर्चें, धनिया, ये जो कुछ भी है ये आप वैसे सेपरेट रख लें तो बेहतर है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इफ्तारी में समझ भी नहीं बंदे को आती कि बच भी जाता है कि ये सारा खाया जाएगा कि नहीं खाया जाएगा। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हर बंदा इसमें डाल सकता है। बॉल में डालें, उसमें थोड़े से चने डालें, प्याज, टमाटर, जो जो जिसको टमाटर किसी को नहीं भी पसंद होता है, किसी को आलू नहीं पसंद होते इसमें डालना। तो ऐसे अभी तो मैं इसमें डाल रही हूँ बाउल में, लेकिन ये है कि हम जब भी इफ्तारी का टाइम होता है ना तो आप थोड़े थोड़े निकाल के, तो इस तरह अगर ना यूज़ हों सारे, किसी का नहीं भी दिल करता, भूख नहीं लगी होती इतनी, तो वो फिर ऐसा होता है कि जो बच जाते हैं वो वैसे भी दूसरे दिन भी काम आ जाते हैं। तो इसलिए सेपरेट बेहतर है। लेकिन अगर ये सब कुछ मिक्स करें तो ये बड़ा सा बाउल बन जाएगा और ये फिर खाया भी नहीं जाएगा। प्याज जो होता है अपनी स्मेल छोड़ देता है, आलू का भी एक अजीब सा ग्रेसी सा टेस्ट हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता, तो वो बेकार हो जाता है। तो जी साथ में मैं ये अभी बना रही हूँ ये चिकन पैटीज़। ये जी मैंने बॉल लिया, इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। चिकन को बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है जी। चाट मसाला आपको कोई सा भी पसंद है तो वो ऐड कर लीजिए। काली मिर्च और ये बाकी सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर। ये चिकन श्रेड किए हुए चिकन जो है ना इसको बॉईल करके ऐसे कर लिए। सब्ज़ मिर्ची और धनिया इसको डाल के इसको हाथों से मैश करेंगे। ये जी बस थोड़ा सा क्या कहते हैं, इफ्तारी के टाइम हर घर में हड़बड़ी सी होती है। तो इसकी मैंने रोटी सी बनाई थी, रोटी बना के ये चिकन ऊपर उस पर फैला के और इसको रोल करके कटिंग करके ये फ्राई कर लिए। यकीन माने कोई अच्छी खास शेप अच्छी नहीं आई थी, मतलब अच्छी सी शेप नहीं आई थी, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा था, यकीन करें इतना अच्छा था। और वही चिकन जो मैंने ये जो बड़ी वाली सब्ज़ मिर्चियाँ होती हैं, इफ्तारी ने भूली रमज़ान में ये होता है बंदा भूल भी जाता है। और ये देखें जी, ये सब्ज़ मिर्चों में मैंने वही चिकन जो है ना इसको फिल करके बेसन में डिप किया, इसको फ्राई कर लिया। ये जी मैं आपको बता रही हूँ, ये जी इस तरह कटिंग किया और कटिंग करके मैंने ये चिकन पैटीज़ ही बनाई हैं। ये बड़ी ही टेस्टी लगी हैं, लेकिन हर शेप अच्छी नहीं आई। ये बात सच्ची है कि शेप अच्छी से नहीं बनी थी। ये मैंने चिप्स भी बना ली, पकोड़े भी बना लिए। इफ्तारी का टाइम होना तो बंदा प्रॉपरली कोई चीज़ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो रोल भी बना लिए। ये बिल्कुल ही एंड ही हुआ है इफ्तारी का। पकोड़े, रोल और वो चिकन पैटीज़ बनाई हैं। जो बाकी रह गई हैं उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके फ्राई कर लेंगे। आप ना चिकन प्रॉपर्ली सारी चिकन मत डालिएगा, थोड़ा सा आलू डाल लीजिएगा, उससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। ये मैंने टोटली चिकन डाली थी, इस वजह से करके इसकी शेप जो है ना ख़राब हो गई थी। तो साथ में वही और थोड़ी सी वेज सब्ज़ियाँ डाल के मैंने ये रोल बना लिए थे उसी चिकन में। चिकन काफ़ी थी वो, मतलब इसमें अच्छे से रोल भी बन के उसी में फटाफट से अफ्तारी में मैंने कहा दो चार चीज़ें हो जाएं तो बस बंदे को खुशी होती है ना, कि बेशक बंदा खाए भी ना, कि काफ़ी सारी चीज़ें आगे पड़ी हों तो वो बंदे को बहुत सुकून सा मिलता है। कम चीज़ें हों तो फिर ज़रा सुकून नहीं मिलता ना। वैसे बेशक बंदा खा रोज़ा खुलते सवाए पानी के और किसी चीज़ पे नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नमकीन चटपटी सी चीज़ें मिले ना तो बस एक ख़ास ही होता है। ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मैं अपने लिए करती हूँ ज़्यादातर। सब्ज़ मिर्चें जो है इस तरह फ्राई करने वाली, ये वाला काम जो सब्ज़ मिर्चें वाला ना, ये मेरा है, ये मेरी फेवरेट है। मैं कभी कभी रोटी के साथ भी ले लेती हूँ इसको। वैसे भी इसको मतलब ये कड़वी नहीं है, ये वाली वो मिर्ची हैं जो कड़वी नहीं है, लेकिन अगर आप कड़वी भी ले लें। स्लिप हो रही हूँ क्योंकि बोलने में ज़रा थोड़ी सी रोज़े में होता है मसला जी। इसको उल्ट पलट लें, अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये मेरे फ्राई वाला काम काफ़ी कंप्लीट हो गया है। मारिया को बोला है कि वो जी शरबत वगैरह बना ले, जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें ज़्यादातर दूध वाली जो होती हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं।